आप हमारे इस वीडियो में देख रहे हैं कि जितने भी चिक्स पड़े हैं हमारे फार्म में वो सारे के सारे हाँफ रहे हैं गर्दन ऊपर करके, और इसका कारण यह कि गर्मी हमारे यहाँ बहुत तेजी से बढ़ रही है और गर्मी बढ़ चुकी है तो गर्मी से इनको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर ये प्रॉब्लम को हम दूर नहीं करेंगे तो तमाम इनके अंदर बीमारी आ सकती है। आज 35 दिन हो चुका है और कोई भी अभी बीमारी इसने अटैक नहीं किया है, मर्टेलिटी भी नहीं हो रहा है, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि अगर इसको अब हम इग्नोर करेंगे, सांस लेने में इनको दिक्कत हो रही है और इसका उपचार नहीं करेंगे तो आगे आने कल से परसों से हो सकता है कि कोई ना कोई बीमारी इसमें आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इनको सांस लेने में। अगर ऐसे ही लगातार करते रहेंगे तो इनके गले में इन्फेक्शन होगा, चोट पहुँचेगी, जब चोट आएगी तो वहाँ से घर घर की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे बहुत से पोल्ट्री फार्म भाई लोग हैं समझ नहीं पाते हैं कि घर घर की आवाज़ कैसी आती है। एक कारण ये भी है जो घर घर की आवाज़ आती है और इनको ठंडक दे कैसे दें कि घर घर की आवाज़ ना आए। तो मैं इसे आधे आधे घंटे पर इनका उपचार करता रहता हूँ, इनको ठंडक देता रहता हूँ। तो भी नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल, स्वागत है आप सभी का एसके पोल्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ अपने सबसे छोटा वाले पोल्ट्री फार्म पर जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है गर्मी के सीजन के लायक पोल्ट्री फार्म करने के लिए। और ये फार्म जो है मैं रेंट पे लेकर चला रहा हूँ और भी मैं पहली बार इसमें चिक्स डाला हूँ गर्मी के मौसम में भी, और इसमें ज़्यादा कोई व्यवस्था नहीं है कि मैं इसको अच्छे से मैनेज कर पाऊँ। और बाकी जितने पोल्ट्री फार्म है तो उसको तो अच्छे से व्यवस्था किया गया है, तो बेसिकली मेरा है तो अच्छे से तो मैं किया हूँ मैनेज, लेकिन आज जो धीरे 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 तो मैं आज आया हूँ बताने के लिए कि गर्मी के मौसम में कैसे से अगर कम लेवल का आपका 1,000 1,500 2,000 का भी चिक्स आप पालन कर रहे हैं तो कैसे मैनेज कर सकते हैं आसानी से, कुछ मैं टिप्स बता दे रहा हूँ। और इसमें 2200 चिक्स में डाला हूँ तो वही आज मैं सोच रहा हूँ कि आपको कुछ शेयर करूँ जो मैं छोटे लोग कैसे फार्मिंग करते हैं जो चिक्स मर जाते हैं मटरिटी ज़्यादा होती है इससे बचाने के लिए। तो सबसे पहले देख सकते हैं मैं ऊपर लगा दिया हूँ गर्मी से बचने के लिए थर्मापोल जो काफ़ी मोटा वाला, इतना मोटा इसका वो है और कहीं कहीं नहीं लगा हुआ है। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर लगा हुआ था, निकल गया है सीमेंट सीट, और सीमेंट सीट के नीचे मैं थर्मापोल लगा दिया हूँ। और अपने पीछे दिखा दूँ, देखिए यह है चिक्स, मैं बीच में भी खड़ा हूँ अपने फार्म के बीचों बीच में, और इस फार्म की जो बनावट है मैं दिखा दूँ, बीच से दरवाज़ा लगा हुआ है। और गर्मी से बचने के लिए काफ़ी मैं इसमें पंखा भी चला अब चालू कर दिया हूँ, फैन है देख सकते हैं यहाँ पर है, और एक इसके पीछे भी है और एक आगे भी है, अभी दिखाऊँगा, और ऊपर भी लगा हुआ दिखाता हूँ मैं कहाँ कहाँ पंखा लगाया हूँ। और गर्मी जब नहीं चल रही है तो दिन में इसको पंखा भी चला रहा हूँ। और मैं मेरे पीछे अब देखिए एक पंखा यहाँ पर लगाया हूँ चल रहा है, और इसमें मैं पानी से छिड़काव भी कर रहा हूँ चिक्स के ऊपर कि उसके अंदर थोड़ा नमी बने रहे और उनको ठंडक मिलता रहे। और फैन भी लगाया हूँ, काफ़ी स्पीड चीज है कि पूरा मैनेज कर लेता है बहुत दूर तक। 6-7 पंखे भी लगाया हूँ और आधे आधे घंटे के बाद मैं इनके ऊपर अपने स्टब्बे से जब देख रहे हैं दिखा रहा हूँ इसमें पानी भर के मैं इनके ऊपर छिड़काव कर रहा हूँ फुहारे के साथ, ज़्यादा पानी नहीं फुहारे पर, फुहारे से तो थोड़ा उनको राहत मिल रहा है। ठीक है, अगर ज़्यादा आप पानी मार देंगे तो भी डर होता है इनके अंदर बीमारी आने के लिए, तो फुहारा बस आधे घंटे पर मार रहा हूँ, हल्का हल्का सा उनका पंख भीग जाए, जब भीग जा रहा है तो उनको कुछ ठंड मिल रही है और राहत मिल रहा है। तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस गर्मी का, छोटे लोगों को मतलब तो छोटे लेवल का जो फार्म कर रहे हैं 2,000 1,500 2,500 3,000 तक, तो उनके लिए एक मैं बनाया हूँ। लेकिन
अगले बार अब अप्रैल में आने वाले बैच में जब मैं डालूंगा तो इसमें भी व्यवस्था करके डालूंगा। अभी ज़्यादा गर्मी नहीं था, लेकिन अभी इस समय कुछ दिन से गर्मी बढ़ गया है और चिक्स का मेरा जो साइज हो चुका है लगभग 2+ हो चुका है, यानी 2 किलो से ऊपर हो चुका है, और आज ये चिक्स को 35 दिन हो गया है। और फिनिशर में इनको दे दिया हूँ, फिर लगा दिया, फिनिशर भी चल रहा है। अभी मटेरिटी वैसे ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा क्या अभी नाम मात्र का एक हो जा रहा है, 2-3 दिन पे एक दो हो जा रहा है, तो इतना तो चलता है। तो अगर इस तरीके से मेरा चिक्स अभी मटेरिटी नहीं होगा तो मैं इसको रोकूंगा और थोड़ा 40-41 दिन तक ओवर साइज करके बेचूंगा। ओवर साइज करने से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फायदा होता है कि मोटा का और तंदूरी का स्टैंडर्ड का ऐसा कुछ हमारे यहाँ सिस्टम नहीं चलता है कि इसका रेट अलग होगा, इसका रेट अलग होगा, तो हम लोगों का थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव में आ जाता है, हम लोगों को बेनिफिट अच्छा मिल जाता है। तो ओवर साइज करने से हम लोगों का अब इसके बाद 35 दिन के बाद और अच्छा ग्रोथ देंगे और रिजल्ट अच्छा आता है, तो हम लोगों का ये सब और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो